आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर की सैर पे ले जाएंगे जहां हर साल देश के कोने कोने से 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं और भारत के इस शहर के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं और भारत में सबसे ज्यादा हॉस्टल और पेइंग गेस्ट भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ये शहर अपने गार्डन, ऐतिहासिक महलों और मंदिरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और यहां पर बने सोने के गहने भाई बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और इस शहर में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है और इस शहर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ पर ऐसी भूतिया जगह भी है जहाँ पर लोगों को सच में भूत का एहसास होता है और यहाँ की कचौड़ी की तो बात ही अलग है यार, एक नंबर टेस्ट है। और ये राजस्थान का एक बड़ा ही पावर जनरेशन केंद्र भी बन गया है। दोस्तों ये शहर कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के कानपुर और औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध कोटा शहर है। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं कोटा शहर के सफर पर। दोस्तों वर्तमान समय में कोटा की आबादी के लिहाज से ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जयपुर और जोधपुर के बाद सबसे ज्यादा आबादी कोटा की ही है। कोटा शहर की कुल जनसंख्या 15 लाख के आसपास है और शहर में 80% लोग हिंदू समुदाय के ही हैं, तो वहीं पर 15% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी कोटा में रहते हैं। कोटा में वैसे तो हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है लेकिन इसके अलावा हड़ौती, मारवाड़ी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग भी आम बोलचाल के दौरान लोग करते हैं। अब दोस्तों कोटा में तो लोग वैसे सैकड़ों सालों से रह रहे हैं लेकिन नगरी के रूप में कोटा के इतिहास की कहानी सन 1575 के आसपास से शुरू होती है। यहाँ पर कोटिया भील नाम के आदिवासियों का शासन चला करता था और कहा जाता है कि कोटिया भील ने इस स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया था और इसी को शहर के स्थापना के रूप में माना जाता है। इसके बाद बूंदी के राजा जयसिंह ने कोटिया भील के साथ युद्ध किया और छल कपट के जरिए कोटिया भील को मार गिराया लेकिन कोटिया भील ने अंतिम समय तक हार नहीं मानी और राजा से युद्ध करता रहा। कहा जाता है कि सिर कटने के बाद भी कोटिया भील का शरीर राजा से युद्ध करता रहा और इसके बाद राजा ने उसके पेट में तलवार का वार करके उसके 2 हिस्से कर दिए। लेकिन दोस्तों राजा जयसिंह कोटिया भील की बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसके सम्मान में इस जगह का नाम कोटा रख दिया। सन 1624 में जहांगीर ने जयसिंह को हराया और कोटा को एक अलग ही रियासत बना दिया। बाद में 1818 में ब्रिटिशर्स ने इस जगह को अपने अधीन कर लिया। अब दोस्तों कोटा में हर साल देश के कोने कोने से 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए कोचिंग लेने के लिए आते हैं और शहर में सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जहां बच्चों को तैयार किया जाता है एग्जाम के लिए। कोटा को एजुकेशनल हब बनाने का असली श्रेय विनोद कुमार बंसल को जाता है। उन्हीं की बदौलत आज कोटा में इतने सारे बच्चे अपना सपना साकार करने आते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एक शहर में होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कोटा के ही नाम दर्ज है। और आपको बता दें कि कोटा भारत का दूसरा ऐसा शहर है जहां सभी घरों में 24 घंटे पानी आता है। दरअसल कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है इसीलिए साल भर यहां पानी की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कोटा ही होगा। कोटा शहर का लिटरेसी रेट 82% है, साथ ही साथ महिला लिटरेसी रेट के मामले में भी कोटा देश के टॉप शहरों में शुमार है। कोटा में कई बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा आदि शामिल है। अब दोस्तों कोटा भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ 50 किलोमीटर के रेडियस में आपको कई पावर जनरेशन प्लांट लगे हुए मिल जाएंगे। इनमें कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन और सूर्य चंबल पावर प्लांट शामिल है। अब आपको बता दें कि कोटा शहर खूबसूरती के मामले में क्या किसी से कम है यार, नहीं। इस शहर में नदी और झीलों के साथ साथ आप हरी भरी वादियां भी देख सकते हैं। साथ ही घूमने के लिए ये शहर एक बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। बॉलीवुड के कई फिल्मों की शूटिंग कोटा शहर में हो चुकी है जिनमें बद्रीनाथ की दुल्हनिया और मर्दानी 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। अब दोस्तों कोटा राजस्थान की GDP में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही हर साल सरकार को 40,000 मिलियन की कमाई हो रही है। इसके अलावा कोटा शहर अपने स्टोन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन काफी महंगा भी होता है। कोटा में कई इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं, जिनमें केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और मेकिंग फर्टिलाइजर बनाने का काम किया जाता है और भी कई अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में आसपास के जिलों से कोटा आते हैं। अब दोस्तों खेती बाड़ी के मामले में भी कोटा किसी से कम नहीं है। यहां गेहूं, धनिया, कॉटन, ज्वार और ऑयल सीड्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा कोटा शहर अपनी गोल्ड ज्वेलरी और डोरिया साड़ियों के कारण भी देश भर में प्रसिद्ध है। रेशम, टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स का काम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2018 में कोटा ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर कोटा में बाबा रामदेव की मौजूदगी में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने योगासन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। अब दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा शहर में साल भर में सबसे ज्यादा साइकिल रेंट पर ही
ली जाती है। इसके अलावा स्पाइरल नोटबुक की खपत भी सबसे ज्यादा इसी शहर में होती है। अब कारण तो आप जानते हैं यार, बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कोटा के इतिहास और यहाँ के लोगों का रहन सहन और शहर की संस्कृति सहित अन्य चीजों के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम आपको रेवोल्यूशन 2020 और लाइफ इन अ नटशेल जैसी किताबें पढ़ने की सलाह देंगे, जिसमें कोटा के बारे में एकदम विस्तार से वर्णन किया गया है। पढ़ो यार, मजा आ जाएगा। दोस्तों कोटा में ब्रजराज भवन नाम का एक होटल है जिसे भूतिया माना जाता है। दरअसल ये एक बहुत ही प्राचीन हवेली है जिसे अब होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका निर्माण सन 1857 में अंग्रेजों ने करवाया था। अब भले ही ये जगह भूतिया है लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से इस होटल में रुकने के लिए आते हैं और होटल में रुकने वाले मेहमानों को अक्सर अपने आसपास किसी सांप के होने का एहसास होता है। अब पता नहीं यार इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो वहाँ जाकर रहकर ही देखना पड़ेगा। कोटा शहर ना अपने खानपान, मेलों और बाजारों के कारण भी काफी प्रसिद्ध है। अगर आप कोटा जाएं तो यहाँ की मशहूर कोटा कचौड़ी का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। यकीनन ऐसी कचौड़ी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। साथ ही साथ दूध और जलेबी भी यहाँ लोग बड़े चाव से खाते हैं। राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, आए है, इसका स्वाद तो अगर आपने कोटा में नहीं लिया तो क्या ही किया यार। इनके अलावा बाजरे की खिचड़ी, बेसन चक्की, गट्टे की सब्जी, पापड़ की सब्जी, मावा कचौरी, लाल मांस और बाजरे की राब जैसी डिशेस भी आप एक बार जरूर ट्राई करना, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ कोटा में कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं और दशहरे के अवसर पर शहर में कई जगह भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि और तेजाजी मेला भी बड़े लेवल पर आयोजित होता है। तेजा दशमी भी यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार तेजा दशमी का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। अब दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस दिन वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। वीर तेजाजी महाराज भगवान का अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा चंबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल और हैंडीक्राफ्ट मेला में भी लोग हिस्सा लेते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो कोटा के रामपुरा बाजार, इंदिरा बाजार और गुमनपुरा जैसी जगह पर जा सकते हैं। यहाँ पर काफी किफायती दामों में आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। सिटी मॉल कोटा का सबसे बड़ा मॉल है। वीकेंड पर इस मॉल में पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई से ब्रेक लेकर यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको हम कोटा के उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सेवन वंडर्स पार्क कोटा के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। अगर आपको वर्ल्ड टूर पर जाने का मन है और दुनिया के 7 अजूबे देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है तो यार कोटा के सेवन वंडर्स पार्क जाएं। 50 एकड़ एरिया में बने इस पार्क में दुनिया के सभी 7 अजूबों के प्रतिबिंब बनाए गए हैं। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आप जंगल सफारी के साथ साथ वाटर सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। कोटा का सिटी पैलेस, जिसे कोटा गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये एक देखने लायक जगह है। वहीं शहर के बीच में किशोर सागर झील बनी हुई है जो एक कृत्रिम झील है और इस झील के बीच में जग मंदिर पैलेस है जो करीबन 282 साल पुराना है। सन 1740 में 2 रानियों ने मिलकर इस महल का निर्माण कराया था। और अगर कोटा की खूबसूरती को करीब से देखना है तो यार गेपरनाथ मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। भाई देख लो कितनी हिम्मत है आप में। और ऊपर पहुंचकर एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों गराड़िया महादेव मंदिर जाकर भी आपको काफी सुकून मिलेगा, सच्ची बता रहा हूँ। चंबल नदी और पहाड़ियों के बीच में मौजूद इस मंदिर से प्रकृति के जो खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे ना, कमाल है वो। और दोस्तों राव माधो सिंह म्यूजियम और ब्रिज विलास पैलेस सरकारी म्यूजियम भी आप जा सकते हैं, जहां आपको कोटा के शाही परिवारों के इतिहास और राजस्थान से जुड़े कई अनमोल चीजें देखने को मिलेंगी। कोटा शहर अपने गार्डन्स के कारण भी प्रसिद्ध है। चंबल गार्डन स्थानीय लोगों के बीच पिकनिक की एक अच्छी जगह है। इसके अलावा छत्रविलास उद्यान भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोटा जाएं तो कोटा बैराज और हैंगिंग ब्रिज भी जरूर देखें। ये दोनों ही जगहें बहुत खूबसूरत हैं और शाम के समय पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और अपने दोस्तों के साथ सेल्फी तो लेना बनते ही है यार। दोस्तों कोटा पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटा जंक्शन यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और भारत के सभी प्रमुख शहरों से आपको कोटा की कनेक्टिविटी या फिर सीधी ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप फ्लाइट से कोटा आना चाहते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जिसकी कोटा से दूरी करीब 240 किलोमीटर है। कोटा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। सर्दियों के दौरान यहाँ तापमान ठीक रहता है, वहीं गर्मियों के दौरान भाई भयंकर गर्मी पड़ती है यार। और कोटा घूमने के लिए 3 से 4 दिन बहुत सही है, इतना काफी है। तो दोस्तों ये था भारत का एजुकेशनल हब कोटा शहर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई कोटा से है या फिर राजस्थान से तो हमें जरूर बताएं।